तो देखें गीता प्रेस का जो गो अंक है उसमें सांड के बारे में जो एक खासियत लिखी गई है कि उसकी सुंदरता को सबसे अंतिम अंतिम बिंदु पर रखें। सबसे ज़्यादा सांड में जो अहमियत है कि उसके जो बच्चे आएं, उसकी जो बेटियां आएं, वो अच्छी दुधारू सुंदर शालीन स्वभाव के साथ दूध में आएं, अच्छे दूध में आएं। आज हमें फील्ड में अनेकों बुल देखने को मिल रहे हैं लेकिन प्रोजेनी टेस्टेड, जिसकी संतति परीक्षण हो चुका है, ऐसे बुल चाहे वो सुंदरता में कैसे भी हों, मैं उनको 100 में से 100 अंक देता हूँ जो कि अपनी कटड़ियाँ अच्छी ला पा रहे हैं, दुधारू ला पा रहे हैं। तो ये देखें गाँव है शेरदा, युवा साथी है शेरगढ़, माफी चाहूंगा, गांव है शेरगढ़, युवा साथी हैं सुखदेव, हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक बुल के ऊपर जो किसान ने मेहनत की, अब वो जो बुल है वो उनकी मेहनत को लौटा रहा है। ये देखें चला करके दिखाएं, चला करके दिखाएं। जी जोड़ के सुखदेव की राम राम। तहे दिल से धन्यवाद जो इतनी दूर से सफर तय करके। जी एक बार उधर ले जाएं, फादर साहब की तरफ ले जाएं। ये देखें ये इसी की बेटी है और ये देखें अंडर क्वालिटी अभी से। ये देखें फर्स्ट टाइमर है, दो दांत टू टिथ मुर्रा झोटी है। हाँ ले आए और इसकी जो झोटियां हैं, क्योंकि एक झोटी से कभी भी बुल प्रोजेनी टेस्टेड की श्रेणी में नहीं आता है, तो सबसे पहले दांत दिखाएंगे। ठीक है हाँ कोई बात नहीं एक बार पहले लेवटी चला करके दिखाएं। ये देखें अभी से जो इसका आर्डर क्वालिटी जो विकसित हो रही है, प्रोजेनी टेस्टेड बुल मैं इसे कहूँगा। थोड़ी सी जगह की संकीर्णता अवश्य है चला के दिखाने में अन्यथा। और एक चीज़ और मैं पुरजोर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस घेर में जितनी भी झोटियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, कटड़ियाँ, या तो इस झोटे की, इस बुल की बहन है या फिर इसकी बेटी है। तो ये देखें ये झोटी को बांध दिया गया है और हाँ दिखाएं, बाहर निकाल देंगे इसको। हाँ बाहर दिखाएं, ठीक है बताएं सबसे पहले इसी के बारे में बताएं। हाँ कितने दिन ब्याने के बचे हुए हैं? अभी ये ले जाएगी कब तक आसपास? अच्छा ठीक है अरे मुंह से दो दांत है। हाँ फर्स्ट टाइमर है। ये देखें सिंह की बनावट आप देखें ठीक है। हाँ भाई पहले ब्याने से पहले कोई भी पशुपालक दूध नहीं बोलता पशु का, 16 किलो दूध गारंटी के साथ देगी। तो ये देखें ये जो युवा साथी हैं जो इन्होंने बताया है कि तकरीबन 16 किलो दूध के आसपास फर्स्ट टाइमर इसे उम्मीद की जा सकती है। ये देखें फर्स्ट टाइमर दो दांत टू टिथ कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एक जो वहां पर है, जी बताएं। ये जो टीवी जीतू भाई इसी अपने बुल की है जी, अभी मुंह से 6 दांत हो गई। अच्छा 4 दांत भी आई थी, ठीक है 4 दांत भी आई थी, ठीक है। इसका बच्चा अभी गुजर गया था। हाँ फिर भी जो टीने 17 किलो 700 ग्राम कंडे पे रिकॉर्ड कराया दूध। अच्छा और अभी 14-15 किलो रेडी है, 14-15 किलो अभी भी तैयार, कितने महीने की ब्याई हुई है। तो देखें चेहरे की बनावट, सिंगों की बनावट आप देखें, ये इसकी अडर क्वालिटी है, टिट्स की स्पेसिंग। और एक आपने काफी मजाक की चीज बताई कि ब्याने से पहले आपके फादर साहब ने क्या कहा था? ब्याने से पहले भाई साहब इसकी लोटी बहुत कम थी और मेरे फादर ने बोला था कि ये 10 किलो से ऊपर दूध नहीं देगी। अच्छा फिर आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैं बोला अगर 10 किलो दूध दिया तो बुल रखने का भी कोई फायदा नहीं। अच्छा अच्छा तो इसने जो टीने जीतू भाई काफी अच्छा 17 किलो 700 ग्राम दूध दिया और मेरे डैडी ने भी नहीं कहा, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी मात्रा में दूध रिकॉर्ड करा जो टीने। तो 10 किलो 10 शेरी क्यों बता रहे थे आप इसको? ये देखें ये टिट्स क्वालिटी है, सेकंड दूसरी जो झोटी है इसकी, फर्स्ट टाइमर है ये भी। हाँ ये फर्स्ट टाइमर है, तो भाई एक भी नहीं प्रेग्नेंट हो अभी, गिनती में दो दूसरी झोटी है, दूसरी है। हाँ ठीक है उसके बाद और बताए जी। तो भाई ये तीसरी है, ये तीसरी है ठीक है, इन सबसे बड़ी यही है। हाँ ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइमर ने 18 किलो दूध दिया था। हाँ और अब की बार सेकंड ब्याई हुई है, आज 9 महीने की ब्याई होगी। हाँ इसने जब आपने वीडियो बनाई थी, जब ये एक हफ्ते की ब्याई थी पीछे, जब बड़ी भैंस की वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो इसने 22 किलो, ये एक नंबर है, 22 किलो 700 ग्राम। और सर्टिफिकेट अभी आप ला रहे थे लेकिन वो थोड़ा मिला नहीं। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिनों बाद फिर मिल्किंग करेंगे, उस टाइम तक ढूंढ के रखना इसका, ठीक है। इसने 22 किलो, एक बार टैग नंबर दिखाएं, 1600 प्लस 1675
बस बस 751865 751865 ये है इसका टैग नंबर। हाँ, अगर कोई डॉक्टर आपकी जानकारी में है तो उससे इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते अभी हैं। ये जी नौ भी नगी भाई हुई जी तुम्हारी। अच्छा अच्छा ठीक है। और भाई साहब अब 10-12 के जी के आसपास दूध है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अभी ये प्रेगनेंट बगैर बुल की समस्या हो रही है जी तू भाई। बस 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 तो आपने बताया कि सीमन काफी बार लगवा चुके हैं। 5 बार सीमन लगवाया, 5 बार खाली। लेकिन उसी बुल की ये बेटी है तो इसलिए उस बुल को इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी इनके आगे जो चुनौती आ रही है, ये देखें एक झोटी यहाँ पर है। सेकंड टाइमर है इस बार। अब की बार सेकंड सेकंड टाइमर। फर्स्ट में कितना दूध दिया? 18 किलो। और सेकंड में? सेकंड में 2700। 2700। तो ये देखें और कोई ब्याई हुई है इसकी झोटी बुल की अपने की? दो ब्याई हुई है भाई साहब। अच्छा दो ब्याई। तीसरी बड़ी थी वो सेल कर दी। अच्छा वो कितना दूध था उसका फर्स्ट टाइम? उसने सेकंड टाइम उसने 22 किलो समथिंग क्रॉस करा। अच्छा हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी 2-3 झोटी सेल करी है जीतू भाई, जैसे आम सी मैसों की थी एक तो मिनी थी। हाँ मिनी थी, वो भी सेल कर दी। जी जी। और इससे अलग जो आम नॉर्मल मैसों की थी जैसे 12-14 किलो वाली थी। हाँ, उनकी खरकी कटियों ने भी 13-13-14 के आसपास लगी, दूध निकाला है। अच्छी अच्छी निकली। ठीक है, तो ये जो झोटियां हैं मैं फिर बोल करके बताना चाहूंगा, ये अच्छी भैंसों की, भैंस साइड से भी अच्छी। ये अच्छी भैंस की इसकी है। ये बड़ी भैंस की है सभी चारों। हाँ हाँ की है। तो एक बड़ी भैंस इनकी ये है, ये देखें अभी भी अडर क्वालिटी जो है भाई, लाजवाब लाजवाब। ये देखें नसों का जो पूरा जाल है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। और आपने एक चीज़ और बड़ी अच्छी बताई कि इस भैंस के ऊपर आपने जो भी बुल यूज़ किया, हाँ वो अच्छा रिजल्ट इस भैंस ने अपने ऊपर दिखाया। इसने भाई साहब जो भी कटियाँ, इससे पहले भी कटियाँ थी जो इस बुल की नहीं थी अपने की स्टार्टिंग वाली, तो इसने नॉर्मल सी 14 से कम तो जमियाम जोटा की भी इसने नहीं रही। आपने कहा 8 किलो वाले 8 किलो वाला बुल हो फिर भी 14 की कटड़ी दी, 14 की कटड़ी दी है इसने। तो देखिए ये जो है ये जीन करेक्टर्स को बताता है। ये देखिए अंडर क्वालिटी जो है भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो थन है अगर आप मिलान करेंगे तो वो जो झोटी बिल्कुल ऐसा ही थन निकाल रही है। यही है, सेम है, बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है। और ये देखें एक चीज और, सींग की आप बनावट देखें, सींग की आप बनावट देखें, और जो सींग की बनावट उसमें और तकरीबन उसमें भी पीछे की तरफ गया है, गोलाई ली है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा जी। तो इसकी जो बुल की जो माँ थी उसके बारे में और मैं आपसे जानना चाहूंगा जी तू भाई। वो एक सेकंड उससे पहले मुझे ये बताएं उसकी बहन कितनी खड़ी है यहाँ पर, कौन कौन सी है जी तू भाई? एक तो बुल की बहन ही है यार। ठीक है, जिन्हें फर्स्ट टाइम 22.5 kg निकाला था जी, सेकंड टाइम में 23 किलो 300 ग्राम निकला, 23 किलो 300 ग्राम निकाला। फर्स्ट टाइमर ने 22.5 किलो 6 दांत होकर के ब्याई थी, 6 दांत होकर के ब्याई थी फर्स्ट टाइमर। हाँ। और इसकी मिल्किंग लाइव मिल्किंग कवर की गई थी जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अभी भाई साहब इसके समथिंग दो भी ने। और अगर आपको इस झोटी की पुरानी वीडियो निकालनी है तो आप जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर और उसके ब्रैकेट में लिख दें सुखदेव शेरदा शेरगढ़, आपको इस भैंस की जो है पुरानी वीडियो निकल करके आ जाएंगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, जो टैगी बे 2000 दूसरे इससे छोटी। अच्छा बाद वाली। ठीक है, ये भी इसकी बहन है M416 की है। ठीक है ठीक है। ये जिस बार आपने इसकी मिल्किंग करी थी ना पिंडा के नीचे, उस टाइम या 8-10 दिन की ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसकी माँ जो थी कौन युवा साथी लेकर के गए हैं? अभी लेकर के गए हैं कुछ रोज पहले, बताएं। अभी वो लेके गए हैं लगभग 3 महीने पहले जी, वो ब्याने से पहले ही ले गए। अच्छा, उसने वो भैंस देख रखी थी काफी समय से, उस पे निगाह रखे हुए था वो। अच्छा हाँ, वो ब्याने से पहले ही ले गया अपन, उसको वो सेल कर दी। अच्छा वो बंदा कुछ बीमार होने के कारण भी। हाँ हाँ, अभी वो भैंस अच्छा दूध निकाल रही है। अच्छा निकाल रही है, सर्द गर्म में आई थी वो, सर्द गर्म में आ गई। हाँ हाँ, और सुबह का मोबाइल नंबर भी जी। तो ये देखें ये बुल जिस भैंस ने पैदा किया उस भैंस की डिटेल है, उसका कितना उच्चतम दूध रिकॉर्ड था उस भैंस का? बस अब अपने पास उसका समथिंग 24 के आसपास था। समथिंग मतलब 23 किलो कुछ। हाँ, रिकॉर्ड किया था और जो मतलब रिकॉर्ड हो या 23 के आसपास। हाँ, और अपने घर निकाला 24.5 के आसपास, 24.5 के आसपास। हाँ, पीक उसका यही था। और फादर साइड ये बुल ये HLDB 70577 का ये बेटा है। हाँ, जो जानकारी दी है युवा साथी ने दी है। ओह ये देखें आप बुल में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा इसके ऊपर कह सकते हैं कि सींग आप। हाँ, कटड़ियों का सींग देखें, ये सींग जो है इसने दीवार के पास घिसाया है तो
कितने ही सांड आप देखें, लेकिन उनमें से मुट्ठी भर सांड ऐसे निकल करके आते हैं जो कि पूरी तरह से रिकॉर्डेड निकलते हैं, प्रोजेनी टेस्टेड बुल निकलते हैं। तो ये देखें, ये जो मुर्रा का सांड है ये प्रोजेनी टेस्टेड बुल। भाई राम राम, जीतू भाई उसी भाई का नंबर मिला दिया मैंने जिसके पास बैंस जहरी है। अच्छा भाई है जीतू, मेरे पास आए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, अब आपकी बैंस के बारे में पूछ रहे हैं, बताना क्या कुछ देरी है, दूध कैसी निकली, मैंने क्या बताया था? हाँ वो जो लेके गए हो, अपना एड्रेस बता दो पहले तो। मेरा एड्रेस तो भाई साहब पानीपत, हाँ जोरवाड़ा गांव। ठीक है, राम राम भाई साहब। राम 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 राम, बताते जाएं फटाफट, वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ दूध में बताएं कितना दूध निकाला। मेरा गांव नूरवाड़ा पानीपत। हाँ जी, यही पे मेरा एड्रेस है। और भैंस का दूध ये 20-22 किलो तक आराम से घर पे दे रही है नॉर्मल में, मतलब हमारे पास तो इतनी डाइट नहीं होती, नॉर्मल डाइट में 22 किलो तक आराम से गई है भाई साहब। और एक ठंड में जो फॉल्ट था भाई ने वो सच्चाई बताई थी, लेकिन मेरे पास आके उस ठंड में वो ठीक होगी। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर्दी का भाई, ये युवा साथी हैं जिनके पास इस बुल की माँ गई है, 24.5 किलो तक घर पर दूध दिया और 23 किलो 900 समथिंग यहाँ पर HLDB में रिकॉर्डेड है। ठीक है, साल का जीतू भाई 22 किलो 900 ग्राम, 3.5 था। अच्छा वो कितने कौन से ब्यांत में थी उस टाइम? वो भाई सब सातवें ब्यांत में थी। अच्छा सातवें ब्यांत, आठवें ब्यांत में उस भाई के पास। देखें जब छोटा था 6 महीने कैटेगरी में तो कहाँ पर चैंपियन बना था ये? सिंगुआ सिंगुआ, उसके बाद आप लेके नहीं, मैं नहीं, दो तीन जगह और गया हूँ, हिसार गया हूँ, CRBI में, मेरठ गया हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट का कंपटीशन उसमें जी, गया हूं। जी जी, उसके बाद मैंने देखा मिली भगत सिस्टम है, मेरे समझ से बाहर था, मेरी समझ से तो आप वहां जाना पसंद है? पसंद नहीं। ठीक है, तो ये देखें एक झोटी इसकी, ये है, एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, दांत उसके चेक करवाएं तब तक, अभी करवाता हूं। ठीक है, ये जो झोटी है कितने दांत होके ब्याई थी? 4 दांत ब्याई थी, अभी 6 दांत। अरे बताता हूँ भाई जी तू, ये कटड़ी है किसी बुल की, बड़ी भैंस के जो पिछली साल सेल कर दी थी, ये अभी 4 दांत है मुँह से। अच्छा, अभी ये डेढ़ भी नहीं प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी ये ब्याएगी, 6 दांत हो जाएगी समथिंग, मुझे सिंपल है ये तो, कोई बहुत बड़ी बात बोलेंगे ये खरकी नहीं है, खरकी नहीं है तो अभी दिखा दी। अरे अभी दिखा दी भाई, याद रखियो 16 से कम नहीं देगी, 16 से कम नहीं देगी, ये गारंटी है इसकी। ठीक है ठीक है, तो ये देखें ब्रीडिंग करना कोई हंसी खेल नहीं है भाई, ये गारंटी इस बात की है, ये नहीं है कि मेरी वैसे बकवास कर रहा हूँ। माँ का दूध 23-24 इसकी कम, अच्छा अच्छा, तो बुल की माँ का भी दूध 23-24 है, तो 16 किलो भी नहीं निकाला तो फिर क्या निकाला। ठीक है, ब्रीडिंग तो ये बोलती है, ब्रीडिंग तो ये बोलती है, दूध तो कम से कम देना चाहिए। ठीक है, इतना भी नहीं देती तो फिर ब्रीडिंग तो मैं मानता नहीं, क्या है पता नहीं। हाँ ठीक है, कई बार हो जाता है मिसलक, लेकिन ज्यादातर जो है आशाएं हैं कि इस तरह का दूध दे, और ये इसकी बहन है खारकी ने। तो इसका फादर साइड भी वही है, आ जाएं। ये देखें तो कांकरेज डेरे वाले जो कांकरेज गायों के बड़े बड़े झुंड लेकर के चलते हैं, उनसे हमें जानने सीखने को मिला, वो उस बुल को तवज्जो नहीं देते हैं ज़्यादा, जिस बुल की माँ ने कितना दूध निकाला है वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन वही सांड जब उस गाय पे प्रयोग किया गया और उसी की बिल्कुल पिता साइड से भी माँ साइड से भी जो बेटियाँ बहनें जो हैं उस सांड की, अगर वो अच्छा दूध निकालती हैं तो फिर बुल को वो चयन करते हैं। ये कांकरेज डेरे वाले जो कांकरेज गायों के बड़े बड़े झुंड रखते हैं उनका नियम है। तो ये जो बुल है इसकी उसी माँ और उसी बाप साइड से 70-577, अच्छा, और माँ वही जो पानीपत वाले भाई के पास गई, तो उससे ये बेटी आई, इसने खारकिन दूध निकाला 22.5 किलो। और दूसरी बार आपने क्या गलती की? ओवर फीड कर दी काफी ज्यादा, तो मांस जो था वो बुल से भी ज्यादा वेट हो गया था। हाँ। तो लीवर कहीं ना कहीं फैटी हो जाता है, तो इसने उतना दाना नहीं लिया, नहीं दाना भी नहीं लिया, और वो बात बनी नहीं, जो बनी नहीं, तो इसलिए ओवर फीड ना करें। हाँ। BCS जो होता है बॉडी कंडीशन स्कोर, वो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिमम रखें, बेस्ट से भी बेस्ट पोजीशन में रखें, और फिर आपको दी बेस्ट यूज अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार आपने बताया कि ज्यादा चाट बाट कुछ नहीं दे रहे हैं, इस बार ये भाई सब्जी तू भाई देसी बास है, खाली बैरंग थोड़ रही है। अच्छा हाँ। घास खाती है बस, ओनली घास, घास ही डालता हूँ बस। अच्छा अच्छा, जैसे हरा चारा और तूड़ी। अच्छा तूड़ी, हाँ बस तूड़ी, बस और कुछ नहीं डाल रहे। ठीक है, तो ये देखें अभी साथ की साथ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, जगराव। मैं बोल करके बताना चाहूँगा, 2-3 साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि आप जगराव आएँ, तो मैं हर उस मेले का बहिष्कार करता हूँ, फिर सुने, हर उस मेले का बहिष्कार करता हूँ जो देसी गऊ
को अपमानित करता है या उसको सम्मान नहीं देता है। तो जगराव जो कॉम्पिटिशन है PDFA प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन वहां पर जो लगाती है वो देसी गायों को वहां पर एंट्री नहीं देती है। पंजाब की भी जो मूल नस्ल है साहिवाल उसको भी एंट्री नहीं देती है, वो सिर्फ HF और जर्सी को बढ़ावा देने वाली संस्था है। तो मैं उसका पूर्णतः बहिष्कार करता हूं। उसके अंदर जीतू भाई वैसे ब्रीडिंग का भी कोई दूध नहीं है, ओनली HF का ही मान के चलो, क्योंकि वैसो में भी नीली रावी किसी हो काली धोली पीली सारी दूध में लगे। चलो वो हो, पर मैं फिर कहना चाहूंगा उनकी भी कैटेगरी अलग अलग हो तो काफी अच्छा हुआ। जो गऊ भारत वर्ष में मातुल्य जो प्राणी है, वेद शास्त्रों में इतना जिसके बारे में बखान है, अगर उसी को आप एंट्री नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप न जाने किस विचारधारा पर चल रहे हैं और क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। तो ये देखें, ये जो है और PDFA एक ऐसी संस्था है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कि HF और जर्सी जो है उसी को बढ़ावा देना उनका मूल मंत्र है, उसी के सीमन वो यहाँ पर बेचना चाहते हैं, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर उसको डिसलाइक करता हूँ। तो ये देखें, दो देसी गऊ जो हैं, एक बूढ़ी हो चुकी है, राजा की जो पिता है हैरी बुल उसे सेक्स सीमन इसको लगा है, और एक जो गऊ है वो यहाँ पर, तो ये देखें इतनी अच्छी। ठीक है, अब दांत चेक करवाएं, अभी करता हूं इसे इधर ही बांधूं भाई। जी जी जी, तो ये देखें ये जो झोटी है इसके दांत जो है ये चेक करवाएंगे, और इन्होंने बताया है कि फर्स्ट टाइमर 16 किलो की उम्मीद है इससे। देखो जीतू भाई, अब आप ध्यान से देख लें, फिर ये ना कहें कि इतने थे इतने नहीं थे। दो दांत, टू टिथ मुर्रा झोटी है भाई, बहुत बढ़िया। अब जी, अब ये देखना काफी रोमांचक होगा कि इन्होंने जो पहले से इस झोटी के बारे में एक तरीके से पूर्वानुमान करते हुए जो एक भविष्यवाणी की है कि फर्स्ट टाइमर 16 किलो की उम्मीद है। ले जाएं बाहर, ले जाएं सड़क पर, एक बार चला करके दिखाएं। ये देखें, चलाएं चलाएं भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें, सफाई कटाई बाल काटना वो वाला जो सिस्टम है वो किया नहीं गया है, जो कुछ है वो सुस्पष्ट है आपके सामने। ले जाएं चलाएं, ठीक है ठीक है। तो ये देखें, फील्ड में पैसों के दम पर झोटियां खरीद करके लाना वो एक बात है, और अपने अनुभव से एक झोटी को घर पर तैयार करना ये पूर्णतः मुश्किल और दूसरी बात है। पैसों के दम पर अच्छी झोटियां कहीं से भी, जिसने खारकी ने दो चार 5-10 गांवों में एक अच्छा दूध जो दिया है या देने की आशंका है, वो सभी खरीद लाते हैं, लेकिन एक बुल को प्रयोग करते हुए एक इस तरह की ब्रिड जो तैयार करना ये काबिले तारीफ है। ये देखें युवा साथी हैं, एक बार अंत में फिर हाथ हिला करके अभिनंदन इनका स्वीकार करें, और इनकी ये झोटी है, और इसकी एक बेटी है ना, इसकी क्या नाम है, इस वाली भैंस की, इसकी भैंस की एक वो और बच गई, वो और बस 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 बस, ठीक है। ये पिछले ब्याज की कटड़ी है जीतू भाई, इस बैंस की, इसी बैंस की, ठीक है। HLDB के P288 कटड़ी है, HLDB के P288 बुल की, ठीक है। जो भी दूध देगी सबके सामने आएगा P288 का रिजल्ट भी। तो ये देख लें, फिर गिने बुल, एक छोटी कटड़ी ये है जो P288 की बेटी है, एक ये उसी बुल की बेटी, उसी बुल की बेटी है जिसका अनुमान बताया है कि फर्स्ट टाइमर 16 किलो, ठीक है। उसके बाद ये है एक ग्राउंड के बीच में, ये हम चर्चा छोड़ोगे जीतू भाई, इसी बुल की बहन है, अच्छा माँ की बेटी है, ठीक है, मतलब इसकी माँ और इसकी माँ एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो ये बहन है, ठीक है। उसके बाद अभी जीतू भाई ये एक भी नगी प्रेग्नेंट होगी, पीसी 843 से प्रेग्नेंट है, पीसी 843 से, ठीक है ठीक है। उसके बाद वो ये जो है इसके बारे में बताएं, ये जीतू भाई ये तो इसी भैंस की कटड़ी है, पिछले ब्याज, अच्छा इसी भैंस की, बुड़ी भैंस, फरवरी की 4 को आप आए थे, ठीक है, रिकॉर्ड किया था जी जी, उस समय नीचे थी, कान से टेक टूट गया, हाँ, और ये एक साल की है, एक साल की होगी, एक साल से कुछ, एक दो महीना ऊपर, ठीक है ठीक है। और ये अभी है ही, एक जो ये है, ठीक है, ये ब्याह चुकी है, ब्याह जीतू,
समथिंग चार महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है, चार दांत हो चुकी है, चार दांत हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। अरे ये इसकी माँ का दूध नॉर्मल था, इसकी का 15-16, ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं क्या, ठीक है, ठीक है। और अंत में एक इनकी जो सबसे पहले आई थी और जिसने मिथ्या को जो तोड़ा था, 25 साल की होगी ना, 2008 की आई हुई है ये, फड़ा के दिन लव इन ऑर्डर ये पक्षी है, ओए खड़ी है जी, इसके बारे में और बताएं जी। तो भाई ये सबसे पहले आई जो थी 2008 में अपने पास सबसे पहले आई। अच्छा, अभी देख लो कितना टाइम हो गया इसको, अभी इसके नीचे कटड़ी है, अपने ही बुल्की है, अपने ही बुल्की है, ठीक है, ठीक है। तो इसने आपने बताया कि सबसे पहले जो घर वालों की जो एक चौंद खोली थी, इसी ने खोली ये थी। मेरा डैडी बोल रहा था जी, तो भाई जी भाई ये दूध पिछला बंदा ने बोला था रिश्तेदारी में से आई थी कन्नड़ी गांव से, बोला ये दूध उसने बोला था 17 किलो बड़े राम से दे देगी। मेरा डैडी बोला 17-17 को नहीं देंदी, वैसे ही बोल रहा 17 किलो नहीं दिया। फिर भाई साहब ये जब डायरी में अपने पास अच्छा दाना मिला नहीं इसको और मिल्किंग में लगी, तो 19 किलो 700 ग्राम HLDB रिकॉर्ड कराया था। अच्छा, उसके बाद ये रिकॉर्ड भी नहीं कराया, और उसके बाद फिर जुनून से आप तैयार करते चले, जुनून से धीरे धीरे चलते गए धीरे धीरे ऐसे ही। तो ये देखें बूढ़ी भैंस है इनकी, अब बीजी तो भाई ये 5 महीने की गई हुई है। इधर से इसका जो है रस्सा खोल रखा है आपने, जहाँ पर बैठना चाहे बैठे आराम से। तो ये देखें ये जो समर्पण भाव है, और एक इधर बूढ़ी गाय को और दिखाएं, अभी दिखाता हूँ भाई। अभी जी तो भाई देखो 5 महीने की बैठी है, अभी अच्छी लोटी है, दूध भी अच्छा दे रही है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये उठने बैठने में तो दिक्कत कर रही है थोड़ी अभी। बस भाई अब की बार जो बच्चा एक बार ले लिया, अभी रेस्ट है इसको, ठीक है, रेस्ट। ये इसकी बेटी है, हाँ ये इसकी बेटी, फादर साइड अपना ही बुला, अपना ही बुला, ठीक है। और ये देखें ये जो गऊ है, आपने बताया इस गऊ को भी खुला छोड़ रखा, हाँ जी, तो भाई इसको भी खुला छोड़ रखा, पूरी आजादी है इसको भी। अच्छा, घेर में कहीं पर भी, ये देखें तो धन की उपाधि इनको दी गई है, कोई गोधन कोई पशुधन। तो देखें धन को इस तरह से ना करें कि बुढ़ापे में, हाँ। देख लो डेयरी हो रही है, पिछली बार भी HLDB में 12 किलो दूध निकाला, 12 किलो दूध निकाला। तो ये देखें ये गौ अब ये 4-4.5 भी नहीं प्रेग्नेंट है। अच्छा, और सक्सल सी मनारी से हैरी बुल H973 जो बुल है उसी को हैरी बुल पुणे में जब लेकर के गए हैं सेक्सीमन तैयार करने के लिए, और H860 जो है उसको नाम दिया गया है नारायण, दोनों बुलों को सेलेक्ट किया गया है सेक्सीमन तैयार करने के लिए। तो देखें बसड़ी लेने के बाद इसको अभी अगेन रिटायर कर देंगे, रिटायर्ड लाइफ, जैसे बूढ़ी माई भारती को रिटायर कर रखा है तो उस तरह की लाइफ। तो देखें ये झोटी है, देखें दूर से अंडर कवर करते हुए भाई, बहुत बढ़िया। तो इतनी अच्छी जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बस ये बोली।